देखो लिसन मैंने आपको एक पहली क्लास में ही समझा दिया था कि इन क्वेश्चनों में एक चीज करनी होती है पूरे क्वेश्चन को साइन और कोस में चेंज करना होता है ठीक है ना तो साइन कोस में लेफ्ट वाला है ना ही साइन कोस में राइट वाला है सो आई द साइड्स ठीक है तो पहले मैं लिखूंगा टेकिंग एल एच एस ठीक है ये कोसेक है क्या ले सकते हो वन अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अगला सेक को कर ले सकते हो वन अपॉन को से माइनस को से ही है इतनी बात समझ आ गई अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन लगा लो इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन लगा लो साइन और का कैल्सियम क्या आएगा खुद साइन ही आएगा मेरे हिसाब से तो ठीक है नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बताओ क्या बचेगा इसके ऊपर साइन नहीं है तो क्या वन ही बचेगा आप ऐसे भी कर सकते हो मल्टीप्लाई क्रॉस क्रॉस माइनस हो जाएगा साइन इंटू साइन साइन स्क्वेर आ जाएगा अगला देखते हैं नीचे कोस और वन कैल्सियम कोस आ जाएगा

Sine. यहां तक बात खत्म हो गई अब मुझे RG's को भी करना पड़ेगा, अब मैं वो करूंगा। तो वो तो था मेरा है। करेंगे, तो क्या होता है में होता है और वन अपॉन में एलसीएम तो क्या है साइन कोस का course तो भी है? एक ही आएगा अब देखो इसके पास क्या है कोस तो क्या नहीं है साइन साँग। तो साइन तो तो okay, को मल्टीप्लाई किया तो क्यों हो गया क्योंकि साइन है प्लस है स्क्न होता है इसको ऊपर लेके गए तो क्या हो गया से मल्टीप्लाई में साइन है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही आया था को से इंटू साइन है राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आ गया टू साइनस का मतलब यही मेरा आंसर है डेट्स इट